नमस्कार, मैं एडवोकेट सौरभ कुणाल, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। यहाँ हम डिस्कस करते हैं लीगल और फाइनेंशियल एजुकेशन के बहुत सारे टॉपिक्स को। तो मित्रों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, अगर दो पक्षों के बीच में मारपीट हुई और उस मारपीट में घातक हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया और उन घातक हथियारों के इस्तेमाल से अगर किसी को गंभीर चोट लग जाती है तो वैसी स्थिति में क्या होगा। मित्रों, इसमें अगर पुलिस केस, इसमें इस पे पुलिस केस, जाहिर सी बात है कि दो पक्षों के बीच में मारपीट होती है और घातक हथियारों का इस्तेमाल होता है और किसी को गंभीर चोट लगती है तो इस पे पुलिस केस बनेगा और पुलिस इसमें सेक्शन भारतीय दंड संहिता की धारा 326 के अंतर्गत ये मामला दर्ज करेगी। तो 326 में जो पूरा इसमें जो पनिशमेंट है, इसमें 10 साल की या उम्र कैद भी हो सकती है। अगर 326 अगर किसी के ऊपर धारा लगता है तो इसमें 10 साल की सजा या उम्र कैद भी हो सकती है। तो आइए हम जानते हैं कि अगर दो पक्षों के बीच में मारपीट होती है और उस मारपीट में धारदार कोई जानलेवा घातक हथियारों का इस्तेमाल होता है तो वो घातक हथियार क्या हो सकते हैं। घातक हथियार हो सकता है बंदूक, पिस्तौल का इस्तेमाल, या फिर चाकू से किसी को मारना, या फिर इसमें जो है आप कोई कोई बम का गोला, कोई आग का गोला, कोई गर्म चीज को फेंकना, ये सारी चीजें घातक हथियारों के तौर पे ली जाती है अगर किसी को ग्रीवियस इंजुरी यानी कि गंभीर चोट लग जाती है। हाल ही में इसे एसिड को भी जोड़ा गया कि अगर किसी के ऊपर एसिड से एसिड फेंका जाता है या एसिड से उसके ऊपर कोई इस तरह की उसको चोटें आती हैं तो वो भी इसी तरह की श्रेणी में आएगा। तो वो ग्रीवियस हर्ट यानी कि किसी को डेंजरस वेपन द्वारा गंभीर चोट है, यानी घातक हथियारों के द्वारा किसी को गंभीर चोट देना, यह एक संगीन जुर्म है और यह एक संज्ञेय जुर्म भी है। संज्ञेय जुर्म है मतलब इसका अगर पुलिस को इसकी सूचना मिलती है तो बगैर कोर्ट के ऑर्डर के वह व्यक्ति को, जो आरोपी है, उसको अपने हिरासत में ले सकता है। यह जमानतीय नहीं है, नॉन अवेलेबल। नॉन अवेलेबल मीन्स इसमें पुलिस जमानत नहीं दे सकती है। इसमें जब भी जमानत मिलेगी यह आपको कोर्ट के द्वारा ही मिलेगी। और यह नॉन कंपाउंडेबल है, मतलब इसमें समझौते की कोई गुंजाइश नहीं होती है। तो यह बहुत ही एक गंभीर अपराध हो जाता है 326, जिसमें अगर किसी व्यक्ति द्वारा किसी मारपीट के क्रम में अगर घातक हथियारों के द्वारा किसी के ऊपर जानलेवा हमला किया जाता है जिससे उसकी जान भी जा सकती थी, लेकिन उसके परिणामस्वरूप उसे जो विक्टिम है, जो शिकायतकर्ता है, उसे गंभीर चोटें लगी हैं, तो वैसी स्थिति में जो है 326 लगेगा। तो गंभीर चोटों के बारे में कई बार होता है कि एक इंच से ज्यादा कटा हुआ हो या बहुत सारी चीजें होती हैं। इसके ऊपर अगर ठीक ठीक आपको कुछ कहना है तो ये बहुत ही जिस भी व्यक्ति को अगर किसी को गंभीर चोटें लगती हैं तो उसे जाके मेडिकल लीगल रिपोर्ट, यानी कि अगर वो किसी अस्पताल में जाके, सरकारी अस्पताल भी एफिलिएटेड अस्पताल में जाके अपना चेकअप कराता है जो भी, तो उसमें जो डॉक्टर हैं वो वहाँ पे एक उनसे कहने पे एक मेडिकल लीगल रिपोर्ट भी वो तैयार कर देते हैं, जिसके ऊपर से अगर पुलिस चाहे तो वो सेक्शन 326 को जोड़ सकती है। या अगर व्यक्ति सीधे पुलिस स्टेशन में जाता है और बताता है कि उसे ये चोटें लगी हुई हैं तो पुलिस अधिकारी वहाँ पे जो बैठे होते हैं उनका ये फर्ज होता है कि उन्हें जो शिकायत करता है उसको हॉस्पिटल में ले जाए, अस्पताल में ले जाकर वहाँ पे उनका थॉरो मेडिकल चेकअप होता है। तो इस जांच के बाद जो वहाँ पे मेडिकल टीम होती है वह एक मेडिकल लीगल रिपोर्ट तैयार करती है और उसी रिपोर्ट पे में यह बताया जाता है कि यह ग्रीवियस हर्ट है और उसी के मुताबिक जो है 326 लगाया जाता है। तो 326 में जो सजा का प्रावधान है वो 10 साल तक का है या उम्र कैद भी हो सकता है। ये सब कुछ केस के मेरिट पे डिपेंड करता है कि केस में क्या कैसे वो पूरा घटना हुआ। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट इस सजा को या तो 10 साल या पूरा उम्र कैद ही इसमें पूरा उम्र कैद की सजा दे सकती है। या इसमें जो है दूसरी जो चीज़ है वो यह जमानत या नहीं, यानी पुलिस इसमें आपको जमानत नहीं दे सकती। इसमें आपको एक वकील के द्वारा जो एप्रोप्रिएट ज्यूरिसडिक्शन है, जहाँ पे ये केस हुआ है, वो जो जिसका क्षेत्राधिकार है, जिस कोर्ट का, उस कोर्ट में आपको बेल के लिए आपको एप्लीकेशन देना होगा। और वहाँ पे ये जो है नॉन कंपाउंडेबल है, मतलब इसमें समझौते की कोई गुंजाइश नहीं होती है। तो दोनों पक्ष अगर चाहें तो भी इसमें समझौता नहीं हो सकता। तो ये एक स्पेशल सर्कमस्टांसेज में कुछ कुछ चीज़ें हैं। तो यह जो है धारा 326 के ऊपर हमारा यह वीडियो है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने जो विचार है, जो ओपिनियन है, उसे जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें बताएं
और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों और मित्रों के बीच में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।